हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में 2024 और 25 के सत्र में भरना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें DOE ने एक नई गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें बताया था कि किन स्कूलों में कितनी सीट EWS DG कैटेगरी के लिए खाली है, वैकेंट है, और उन्हीं सीटों पर EWS DG कैटेगरी के जो फॉर्म है वो निकलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैम ये लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी। देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी को बताया था कि जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी गाइडलाइंस आती है DOE की साइट पर आती है और उस साइट को खोल के आप DOE के जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके जो सर्कुलर आते हैं उनको देख सकते हैं कि उन सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यही बताने जा रही हूँ कि कैसे आप DOE की जो गाइडलाइंस है, DOE की जो सर्कुलर है, एडमिशन से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर आते हैं वो आप कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर आपको सिंपली DOE सर्च करना होगा, जैसे कि मैं सर्च कर रही हूँ। और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, आप यहाँ देखेंगे पहले ही जो लिस्ट है उसमें आएगा आपका वेबसाइट www.edudel.nic.in। इस वेबसाइट को ओपन करना है आपको, और जैसे ही इसे ओपन करेंगे आप, ये DOE का जो पेज है वो आपके सामने खुलकर आएगा। इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा और इसी साइट पर आपको फॉर्म भी भरना होता है। इसी साइट को खोलने के बाद आपको DOE की जो सर्कुलर है उसका भी पता चलता है कि क्या सर्कुलर एडमिशन के रिगार्डिंग आया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू जो पोस्टर है उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम रिज़ल्ट, RIS रिक्रूटमेंट, फीस रिव्यू कमेटी, AERU, पब्लिक सर्कुलर्स। आपको बस इस पब्लिक सर्कुलर पे क्लिक करना है और जैसे ही पब्लिक सर्कुलर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे बहुत सारी जो नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, उसको देख पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू स्टार के अंदर ब्लिंक हो रहा है। आप इसे थोड़ा सा नीचे ऊपर स्लाइड करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो DOE ने अभी सर्कुलर जारी किया था EWS DG एडमिशन के रिगार्डिंग, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सर्कुलर है आपका, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर ऑनलाइन एडमिशन ऑफ EWS DG एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी स्टूडेंट्स एट एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी KG एंड फर्स्ट ऑफ द प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल ऑफ दिल्ली फॉर द इंशोइंग एकेडमिक सेशन 2024-25 प्राइवेट स्कूल ब्रांच। ये जो रेड कलर में आप सर्कुलर देख रहे हैं इसे आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने डाउनलोड किया हुआ था इसलिए डाउनलोड अगेन करना पड़ा मुझे, और आप उस पर डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। और ये जो सर्कुलर है जब आप इसको ऊपर करेंगे तो आपको इस तरह से स्कूल की लिस्ट, आपको एरिया वाइज जो आपके स्कूल की लिस्ट है, आपके आसपास जो भी स्कूल होगा उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगी, और जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस स्कूल के बारे में जान सकते हैं और कितनी किस स्कूल में सीट है वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम वो लिस्ट कैसे देखें, तो इस तरह से आप खोलिए DOE की साइट और इस तरह से आप लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था, आज भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताऊंगी कि इस तरह से आपका लिस्ट आएगा। आप देख सकते हैं एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी KG और क्लास फर्स्ट के लिए है, और फर्स्ट सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है किस डिस्ट्रिक्ट में आप स्कूल पढ़ेगा, और स्कूल की ID है, नेम ऑफ स्कूल है, एड्रेस ऑफ स्कूल है, एंट्री लेवल है कि कौन सी क्लास से वो स्कूल स्टार्ट है, फर्स्ट से है, नर्सरी से है, KG से है, तो इस तरह से है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सीरियल नंबर 1 पे ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल है और फर्स्ट क्लास से ये शुरू होता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है इस स्कूल में वो 40 है, आप यहाँ देख सकते हैं येलो कलर के स्ट्रिप में, आप उसके नीचे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स EWS DG और CWSN और जनरल कैटेगरी सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ जो सीट है इस स्कूल में फर्स्ट क्लास में 40 है।
जो जनरल कैटेगरी के लिए सीट है वो 30 सीट है, 40 में से 30 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के लिए सीट 9 है और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए 3% सीट रखी जाती है हर स्कूल में, तो वो 1 है। अगर टोटल 40 सीट है तो उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकालेंगे तो इस तरह से परसेंटेज उसका आता है। और देखिए सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी डीजी कैटेगरी के अंतर्गत ही आती है, बट ये उन बच्चों के लिए होती है जो दिव्यांग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग 3% सीट जो होती है अलग से खाली होती है। तो 1 सीट यहाँ पर बताया गया है ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में। तो इसी तरह से आप सारी लिस्ट यहाँ पर स्कूल की देख सकते हैं, और इससे क्या है आपको अपने आसपास जितने भी स्कूल हैं उनमें सीट्स कितनी खाली होंगी उसका आइडिया मिल सकता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, देखिए कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें सेक्शन वाइज भी डिवाइड होता है। मान लीजिए एक स्कूल में, अभी जो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के बारे में मैंने बात की, वो उसमें केवल एक ही सेक्शन होगा इसलिए वहाँ पर 40 सीट दिखाई जा रही है। अभी आप ये देखिए 538 जो सीरियल नंबर है उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 सीट खाली है नर्सरी क्लास में। टोटल नंबर ऑफ सीट 200 के हिसाब से अगर हम 4 से डिवाइड करें तो या 5 सेक्शन होंगे और उसके अकॉर्डिंग 200 नंबर जो टोटल नंबर सीट है खाली है। ये हर स्कूल में अलग अलग हो सकती है, किसी में 200 किसी में 300, ये सेक्शन के हिसाब से सीट बढ़ती हैं। और इसमें जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की जो सीट खाली है वो 44 सीट है, 6 सीट सीडब्ल्यूएसएन वाले बच्चों के लिए खाली है। तो इस तरह से हर स्कूल में आपको अलग अलग सीट जो है देखने के लिए मिलेगा, तो आप अपने एरिया के हिसाब से सीट को देख सकते हैं। और इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप उस लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और थोड़ा सा आइडिया इससे आपको ज़रूर लगेगा। तो जितने भी स्कूल हैं आपके आसपास और जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो जिस स्कूल में सबसे ज़्यादा सीट होगी आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, उसको आप पहले नंबर पर रख सकते हैं। और इस साल भी मैं पूरी कोशिश करूँगी फॉर्म भरना आपको सिखाने के लिए, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म अपने हिसाब से भर पाएँ, क्योंकि कई बार आप अगर साइबर कैफ से भरवाते हैं तो वो स्कूल का सिलेक्शन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई छोटी सी मिस्टेक आपसे हो और आपके बच्चे का जो नाम है इस साल ना आए। तो आपको स्कूल का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से करना होता है। बहुत सारी जानकारी है जो मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम आपको देती रहूँगी जब तक ये फॉर्म नहीं निकलते हैं। फॉर्म निकलने के बाद भी मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार नाम आने के बाद भी कई पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप ऐसी मिस्टेक करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।